दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में अभिनेत्रियां पर्दे पर जितनी ज्यादा संस्कारी और सुशील नजर आती हैं, रियल लाइफ में उतनी ही ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश होती हैं। जहां पब में पार्टी करने से लेकर अभिनेत्रियां बीच पर अपने अलग अलग अंदाज बिखेरती हुई नजर आती हैं, जिसके चलते अभिनेत्रियों के मॉडर्न अंदाज को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां रियल लाइफ में काफी ज्यादा मॉडर्न भले ही क्यों ना हो, पर इन सब के बावजूद वो अभिनेत्रियां 90 के दशक के गाने सुनना ही पसंद करती हैं। उस रोमांटिक दौर के गाने आज भी बेहद पसंद है टीवी की उन मॉडर्न एक्ट्रेस को। तो आखिरकार कौन सी है वो अभिनेत्रियां, आइए जानते हैं एक एक करके। नंबर एक पर है सुरभि ज्योति। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शामिल हैं अभिनेत्री सुरभि ज्योति, जो कि टीवी इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अभिनेत्री में से एक हैं, जिन्होंने कबूल है और नागिन जैसे टीवी सीरियल में काम करके दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी है। पर आपको बता दें कि सुरभि यूं तो काफी ज्यादा मॉडर्न है, पर इसके बावजूद ये भी 90s के गाने सुनने की शौकीन है, तभी तो ये सेट पर 90 के दशक के गाने चला कर रखती हैं। नंबर दो पर है हीना खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है और कसौटी जिंदगी की जैसे टीवी सीरियल करके मशहूर होने वाली अभिनेत्री हीना खान भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है, जो भले ही कितनी मॉडर्न सोच क्यों न रखती हूँ, पर इसके बावजूद इनका दिल भी 90s के दशक के गानों पर ही आता है। तभी तो बतौर सिंगर जब कोई इन्हें गाने के लिए कहता है तो इनकी जुबा पर 90 के दशक के गाने ही सबसे पहले आते हैं। नंबर तीन पर है जिज्ञासा सिंह। वर्तमान में थपकी प्यार की सीरियल में नजर आ रही अभिनेत्री जिज्ञासा सिंह दर्शकों को पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है, जो भले ही टीवी सीरियल में काफी संस्कारी नजर आती हूँ, पर रियल लाइफ में जिज्ञासा सिंह भी काफी ज्यादा मॉडर्न है। लेकिन मॉडर्न होने के बावजूद इन्हें भी 90 के दशक के गाने सुनना ही पसंद है, और इसीलिए इन्होंने तो अभी से ही सोच लिया है कि इनकी शादी में भी 90s के दशक के गाने ही ये चलवाएंगे। नंबर चार पर है रीम शेख। ये नाम सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी हुई होगी, क्योंकि रीम शेख तो काफी ज्यादा छोटी हैं, जिनका तो जन्म भी 90 के दशक में नहीं हुआ है, पर इसके बावजूद ये भी 90 के दशक के गाने सुनना पसंद करती हैं। पर उन्होंने खुद ही बताया था कि 90 के दशक के गाने काफी ज्यादा मीनिंगफुल और सोलफुल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुनकर जो सुकून मिलता है वो आज के गानों से बिल्कुल भी नहीं मिलता। नंबर पाँच पर है आयशा सिंह। मॉडर्न होने के बावजूद टीवी इंडस्ट्री की जिन अभिनेत्रियों को 90 के दशक के गाने सुनना पसंद है, उनमें एक नाम अभिनेत्री आयशा सिंह का भी शामिल है, जिनके शो का नाम ही गुम है किसी के प्यार में पुराने गाने पर ही आधारित है। इसीलिए तो इन्हें सिर्फ 90 के दशक के गाने नहीं, बल्कि 70 और 80 के दशक के गाने भी काफी ज्यादा पसंद है, जिन्हें ये अपनी हॉबी के रूप में सुनना पसंद करती हैं। नंबर छह पर है निधि शाह। टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर टीवी शो अनुपमा में किंजल की भूमिका निभा रही अभिनेत्री निधि शाह भी हमारी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि निधि शाह अभी महज 23 साल की हैं, पर इसके बावजूद ये भी पुराने गानों की शौकीन हैं। जहां पुराने गानों का इनका प्यार इस कदर है कि इन्हें रील्स भी अक्सर ये 90 के दशक के गानों पर ही बनाती हैं। नंबर सात पर है कांची सिंह। जी हाँ, और प्यार हो गया और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी सीरियल्स पर नजर आने वाली अभिनेत्री कांची सिंह भी हमारी इस लिस्ट में शामिल हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि कांची टीवी इंडस्ट्री की सबसे मॉडर्न और स्टाइलिश एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं, पर इसके बावजूद कांची सिंह भी 90 के दशक के गाने सुनना ही पसंद करती हैं। जहां कांची तो ये भी कहती हैं कि पुराने गाने इनके लिए दवा की तरह काम करते हैं, जब भी इन्हें कभी स्ट्रेस होता है तो ये पुराने गाने सुनती हैं, जिसको सुनकर इन्हें काफी अच्छा फील होता है। नंबर आठ पर है शिवांगी जोशी। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाकर मशहूर होने वाली अभिनेत्री शिवांगी जोशी भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो यूं तो काफी ज्यादा यंग और काफी मॉडर्न हैं, पर इसके बावजूद इन्हें भी 90 के दशक के गाने सुनना पसंद है। जहां इनका 90 के दशक के गानों के लिए इतना गहरा प्यार है कि ये अपने शो के फंक्शन या शादी वाले एपिसोड में हमेशा ही 90 के दशक के गाने ही चलवाती हैं। नंबर नौ पर है श्रद्धा आर्य। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री श्रद्धा आर्य का भी शामिल है, और जैसा कि सभी जानते हैं कि श्रद्धा आर्य तो साल 1987 में जन्मी हैं। यही वजह है कि 90 के दशक के गाने इन्हें इनके बचपन की याद दिलाते हैं,
और इन्हें काफी नॉस्टैल्जिक फील कराते हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न कपड़े और सोच होने के बावजूद इन्हें हमेशा ही 90 के दशक के गाने सुनना पसंद है। नंबर 10 पर है श्रुति झा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अपना नाम दायर करने वाली अभिनेत्री श्रुति झा, जैसा कि सभी जानते हैं कि श्रुति झा तो टीवी इंडस्ट्री के उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो भले ही कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो, पर ये हमेशा ही अपनी जमीन से जुड़ी रहती हैं और इसी वजह से मॉडर्न होने के बावजूद ये भी 90 के दशक के गानों को सुनना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों की तरह क्या आप भी सिर्फ 90 के दशक के गाने ही सुनना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।